Assalamualaikum, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्या प्लान है कि आज ये फ्रिज को मैंने क्लीन करना है और कुकिंग रेंज को क्लीन करना है, क्योंकि जब फ्रिज शिफ्ट हुआ था तो कुछ भी लीक तो नहीं हुआ था, लेकिन चार पांच दिन तो इस तरह से मतलब जो भी अंदर धनिया वगैरह पड़ा हुआ था ना फ्रिज में ही पड़ा था, लेकिन वो ना गल गया। तो मुझे इन चीजों को साफ करना है और उसके बाद स्टोव टॉप को भी साफ करना है, क्योंकि वही फॉइल वहां लगी हुई थी, इसी के साथ ही हम लोग यहाँ ले आए थे। तो यहाँ पे इसको क्लीन करके नई फॉइल लगा लेंगे, फिर इंशाल्लाह किचन का स्टार्ट आपके साथ करेंगे। आपके साथ ना करें तो क्या मजा है इस चीज का। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत प्यारे हैं, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फ्रिज में से बस चीजें मैं निकालती जाऊंगी और ये शीट्स को भी क्लीन कर दूंगी और शेल्व्स वगैरह सारे जो जो देखूंगी, जहां जहां जरूरत है बस कपड़ा लगा के क्लीन करती जाऊंगी। ये ड्रॉर्स है ना, इनको वॉश करना पड़ेगा। तो क्योंकि फ्रिज को मैं महीने में एक से दो बार इस तरह कपड़ा लगाती रहती हूँ, सो इसको ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है। जब ड्रॉर्स निकालते हैं ना तो उसके पीछे ड्राई हुआ हुआ धनिया पुदीना वगैरह इस तरह की चीजें गिरी होती हैं, जैसे केचप का पैकेट गिरा हुआ था, तो ये जगह बड़ी थॉरली क्लीन करनी पड़ती है, सोप से वॉश करनी पड़ती है ताकि अच्छी तरह से ना साफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेन्स अगर लगे तो लग जाते हैं। फ्रीजर को भी बस सामने सामने से ही करना है। फ्रीजर तो इतना ज्यादा बच्चों के यूज में नहीं होता ना, तो फिर उसमें इसलिए मेस भी ज्यादा नहीं होता। इसके भी बस इसी तरह से ड्रॉर्स को क्लीन कर दूंगी और शेल्व्स वगैरह को क्लीन कर दूंगी और फ्रीजर भी डन हो जाएगा। ये जो ड्रॉर्स हैं इनको भी मैंने वॉश कर दिया है और साथ में शीट्स भी वॉश कर दी हैं, इनको मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूंगी। अमेजोन से शीट्स मंगवाई थी, बड़ी क्यूट लगती हैं और बड़ी अच्छी भी हैं, ड्यूरेबल हैं। टिश्यू से ड्राई इसलिए कर रही हूँ मैं कि मेरे पास इतना भी अभी टाइम नहीं है कि मैं इनको एयर ड्राई होने दूँ। मैं इनको वापस फ्रिज में लगा के जाऊँगी ताकि जब मैं सामान लेके आऊँ ना तो उस वक्त मैं फ़ौरन से अंदर रख लूँ, क्योंकि आजकल थकावट भी एक्स्ट्रा हो रही है ना काम कर करके, तो बेहतर है हर चीज़ रेडी हो ताकि उस वक्त आके ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बड़ी मुश्किल से हमने मिशी को कन्विंस किया कि मिशी इज़ गोइंग टू वेयर ग्लासेस। पहले क्यों नहीं लगवाए बता, पहले दिया था क्योंकि ये विलिंग नहीं हो रहा था, हमने कहा इसका एकेडमिक ईयर ख़त्म हो। मिशू आर यू रेडी? बड़ी मुश्किल से इसे कन्विंस किया, सारे जो है ना केकड़े बनने वाले हैं, आपके भी तो लगेंगे। मिशू विच कलर डू यू वांट? रेनबो कलर ग्लासेस। ओके आप कौन से कलर के लोगे? मैं या तो लूंगा बिल्कुल ब्लैक जैसे ये है, या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मुझे अच्छे लगते हैं, बट आई डोंट थिंक मेरे ऊपर शायद सूट करेंगे। मेरा भी प्लान उन्हीं का ही, या फिर सेकंड नंबर पे ग्रे। मैंने ये दो, हाँ इन दो में से चूज करना है। राइट पिंक ही होता है, हाँ वो ले लूं। उसके ऊपर हार्ट्स भी बने हो ना दो, ओ जबरदस्त लगूंगी मैं। अरे ये बड़े भी हैं सामने ऊपर ना, ये देखें ब्लू ब्लू ब्लैक नहीं ब्लू में। लुक एट मी ओह दिस लुक्स गुड ऑन यू। आपने ये चूज किया है? देखो आप ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोबारा दूसरा लगाओ, दूसरा दोबारा लगाओ, देखने ये वाला नहीं, वो वाला हाँ ये वाला। आपको भी ये अच्छा लगा? हाँ ये अच्छा है। डन हो गया मेरे बेटे का। जब शहजाद छोटे थे तो शहजाद की आई साइट इसी तरह वीक थी, -5 ये वो नंबर्स शहजाद के होते थे, और फिर जो ही 18 के हुए तो उनके पेरेंट्स इनकी लेज़र करा दी थी। हामी के लिए भी हमारे यही प्लान्स हैं, और ये जेनेटिक है, मतलब ये वो नहीं है कि पढ़ के बच्चों की ना या स्क्रीन यूज़ करके वो थोड़ी से स्टार्ट होती है, वो एकदम इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती। मिशारी की भी इसी तरह एकदम ड्रॉप हुई थी और तिहामी की भी इसी तरह हुई थी। तिहामी की बार तो मुझे इतने टाइम पता ही नहीं चला था ना, तो मिशारी की बार चूँकि एक एक्सपीरियंस मैं कर चुकी थी तो मुझे फ़ौरन समझ आ गई है। तो डॉक्टर्स का डायग्नोसिस ये है कि ये जेनेटिक है, तो ये ट्रांसफ़र हुई है फादर से, क्योंकि मेरी तो 0.5 एक साइड की, दूसरी साइड की मेरी 0 है। तो खैर बाकी ये है कि अब क्या कहते हैं,
शहजाद जो है वो उनकी भी लेज़र का ये है कि 0.5 उनकी भी एक साइड की हुई भी है ख़राब, तो डॉक्टर ने कहा लगा लें खैर ये, वरना ये कि आप थोड़ी सी आइज़ की एक्सरसाइज करें तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी, आपको ज़रूरत नहीं है ग्लासेस की। बहरहाल मिशी यहाँ पे आके हो गया था एक्साइटेड, मैं एक दफ़ा फिर से हाई अलर्ट पर आ गई हूँ, क्योंकि जो अपने होते हैं ना वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो नए पहली बार मिलने वाले लोग होते हैं या जो रैंडम लोग होते हैं 2 मिनट बात कर लेंगे तो कहेंगे हाँ ये दोनों बच्चों को ग्लासेस लग गए हैं, वो ऐसे अफसोस वाली शक्ल बना लेते हैं और फिर स्क्रीन वॉच यूज़ करते होंगे। तो पहले तो मैं सफाइयाँ दिया करती थी कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो जेनेटिक है, लेकिन उनको क्या समझ आएगी। अब मैं ऐसी हो गई हूँ, मुझे पता है मैं शादी की बात भी बहुत सुनना पड़ेगा कि बच्चों को स्क्रीन यूज़ कराती हैं, इसलिए तो मैंने कहना हाँ भी कराती हूँ, क्या करें बच्चे स्क्रीन मांगते हैं तो मैं क्या करूँ मुझे किसी से कोई अवार्ड नहीं लेना, लेकिन यह कि ऐसे लोगों के सामने एक्सप्लेन भी मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ मैं सच में बताऊँ, मैं मतलब यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को माइंड को रेडी कर रही हूँ कि मैं अब जहाँ जिससे मिलूंगी हर किसी ने मुझसे ये सवाल करना है, सिवाय आपके, आप लोग इतने प्यारे हैं, आपका मुझे पता है कि सबने नॉर्मल इस चीज़ को लेके दिखाना है, सबको ज़रा दुख होगा देख के कि उसको ग्लासेस लग गए हैं, मेरी तरह सबकी फीलिंग्स हैं, लेकिन यकीन करें आपका मुझे नहीं है, लेकिन रैंडम जो लोग ज़िंदगी में आते हैं ना वो ज़रूर इस चीज़ को टारगेट करते हैं। चले खैर, उसके बाद हम लोग आगे गोलगप्पे वगैरह खाए, गुलाब जामुन जलेबियाँ बच्चों ने खाई, और उसके बाद हम लोग आगे कारफोर, तो हमारे नए घर की हो रही है नई नई ग्रोसरी शॉपिंग। आज इतनी खुशी हो रही थी ना ग्रोसरी शॉपिंग खुद से करने की, मैं अब प्रेफर करती होती हूँ ऑनलाइन, कारफोर पे ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, चीज़ें घर पहुँच जाती हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, तो वो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है क्योंकि फिर हमें जाके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि एक एक्साइटमेंट थी नए घर के लिए, सामान ले रही हूँ, फ्रेश प्रोड्यूस, फ्रोजन आइटम्स और मीट वगैरह ये चीज़ें लेने वाली थी। Yes. But I have chicken rings for you guys. You don't want anything? Promise me you'll eat it. माशाल्लाह से किचन भी सेट हो गया है, फ्रिज भी रीस्टॉक हो गया है और बस मेरा किचन रेडी है, बस इसकी नेक्स्ट डे, अब थक गई थी ना तो नेक्स्ट डे इसकी करूँगी फॉयल वगैरह सारी चेंज और फिर इसकी कुकिंग वगैरह शुरू करेंगे। और आप सबने जो कहा था कि इसमें मीठा बनाना, तो मुझे वो याद आ गया था शादी के बाद पहले दफ़ा किचन में मीठा ही बनाना होता है तो वो चीज़ मैं इंशाल्लाह यहाँ पर ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी, बड़ा मज़ा आएगा और आपसे मैं न्यू रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, तो नए किचन में नई रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। आज आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने स्टोरेज का क्या इंतजाम किया है। तो ये है स्टोरेज का इंतजाम जिसका आप सबको इंतजार था। आपको पता है बिल्ट इन कबर्ड्स हमारे रूम्स में लगी हुई हैं, तो लॉजिकली आइडियली तो ये कबर्ड की यहाँ पे कोई तुक नहीं बनती, बट बहुत सा ऐसा सामान होता है कि जो हर चीज़ आप फेंक के नहीं आ सकते क्योंकि वो आपके यूज़ की होती है। तो हमारे केस में क्या क्या कुछ है, जैसे कुछ कपड़े हैं वो मैंने जो आपको बताया वो वैक्यूम बैग में मैंने डाले थे। हाँ, एक क्वेश्चन था कि वैक्यूम बैग के लिए कुछ अलग से वैक्यूम होता है या वही, नहीं तो जो घर पर वैक्यूम यूज़ होता है वही वाला होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ स्टफ़ है मेरा ज़रूरी, और उसके अलावा कुछ स्टफ़ यहाँ पर है, और उसके अलावा ये देखें ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम कहाँ रखते, ये सारा हमारा कैंपिंग स्टफ़ है,
ये जो हमारे ट्रैवल बैग्स हैं ये यहाँ पे आ गए हैं, और जो शावर कर्टन रॉड है ना इसको ऐसे डायगनली हमने लगा दिया ताकि ये कभी मिस्टेकली भी बाहर ना गिरे। तो ये हमारी सारी स्टोरेज हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे सारा स्विमिंग का स्टफ है, ये कुरान पाक है, और ये मेरे बैग्स हैं, ये एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह हैं, वो जिम का स्टफ है, और ये जो है नीचे ब्लैंकेट्स हैं। और फिर कबर्ड भी आपको मैं दिखा देती हूँ। कबर्ड की जो पार्टीशन है ये 4 शहजाद की हैं और ये 2 मेरी हैं क्योंकि मुझे मेरे ज़्यादा हैंग हुए हैं। और ये वाली एक साइड मेरे पास है, इसमें मेरे कार्डिगन्स वगैरह हैं और साथ में कुछ फोल्ड हुए हुए कपड़े जो भी प्रेस नहीं हुए। और ऊपर जो है ना ये काफ़ी हद तक खाली जगह है, हमने ज़्यादा खाली स्पेस छोड़ी है अपनी कबर्ड्स में ना। ये वाली सारी साइड क्योंकि शहजाद के वो सूट्स होते हैं तो वो ज़रा हैवी होते हैं और उनको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होती है, तो ये सारी जो है वो मैंने शहजाद को दे दी थी, तो एक ही जगह पे उनके सारे कपड़े आ गए हैं। और मेरे हैंग हुए हुए कहाँ कपड़े आए हैं, मेरे कपड़े हैंग हुए हुए यहाँ आ गए हैं ये सारे। ये शहजाद ने ज़रा चीज़ें अंदर ठूंसनी है ताकि वो डोर बंद हो जाए। तो ये हमारा स्टोरेज का अरेंजमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतनी सी जगह ही है। अगर ये जगह पे कबर्ड ना भी होती तो ये जगह किस काम के लिए यूज़ होनी थी, किसी काम के लिए नहीं यूज़ होनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना था कि ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये हमने उठा के यहाँ सामने रख देनी थी, तो वो जगह को हमने यूटिलाइज़ कर लिया कबर्ड के लिए। दूसरा आता है ये लॉबी। एक स्टोरेज जो है ना वो लॉबी में भी है, जब ये लाइट ऑन होती है तब ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसे लगता है कि बहुत तंग है क्योंकि क्या होता है कि जो ये लॉबी सी होती है ना, कॉरिडोर और कह रहे हैं लॉबी कह रहे हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सोल रखा जाता है, उस पर मिरर लगा दिया जाता है और एंट्रेंस प्यारी सी लगती है, बट आई डोंट केयर। बाकी मेरा लाउंज हर चीज़ अच्छी लग रही है, मेरी मर्जी के मुताबिक है, तो मुझे स्टोरेज भी करनी है क्योंकि मेरा स्टोरेज का सामान काफ़ी है। जैसे ये ऊपर वाला बॉक्स पूरा, ये तो ट्यूबलाइट्स हैं लगनी है, ऊपर वाला बॉक्स पूरा जो है इसमें रमज़ान का स्टफ़ है, ये आबे जमजम है, इसमें मेरा बेकिंग का स्टफ़ है क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होता है, तो ज़ाहिर है मेरा किचन जो है वो छोटा है। ये टिशूज़ वगैरह हैं, टिशूज़ और ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसके भी ये जगह है। फिर यहाँ पे ये और जो ये हैं ये डिस्पोजेबल्स हैं, इन 3 में डिस्पोजेबल्स हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजेबल भी इतना बड़ा बॉक्स मिलता है कि वो छोटी छोटी नहीं ऐसे है कि 10-20 प्लेट्स आ जाएं, 100 प्लेट्स, 500 प्लेट्स इस तरह से आती है, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो ये 3 बॉक्सेस स्टोरेज के उसके हैं डिस्पोजेबल्स के, क्योंकि कभी वर्कर्स को देनी होती हैं चीजें, कभी खुद खाना बाहर खाना होता है, तो बस इस वजह से। और ये लास्ट में हार्डवेयर का सारा स्टफ, तो ये मेरा ख्याल था कि ये ऐसे अच्छा लगेगा, जाहिर है थोड़ा तंग तो लगेगा बट हमने ज्यादा यूज़ करना है, गेस्ट तो कभी कभी आने हैं, सो मैं पूरी तरह से खुश हूँ। मुझे शहजाद ने आइडिया दिया था कि यहाँ पे ब्लाइंड्स नहीं जो होते तो वो ब्लाइंड्स यहाँ पे मैं लगवा लूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि अभी जो है एटलीस्ट सी थ्रू है, ठीक है। ब्लाइंड्स लग जाएंगे तो फिर ऐसे लगेगा कि एक बड़ी सी एक ना कबर्ड या अलमारी जिसे कहते हैं वो यहाँ पे लगाई हुई है, तो ज़रा ऐसे घुटन सी फील होगी। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो शू रैक्स हैं, मेरा प्लान ये था कि इनको मैं सेल आउट कर दूँ। एक तो ये कि शूज़ ज़्यादा हैं, दूसरी बात ये कि ये जो है इस वक्त 300 या 400 का है, तो मैं इनको सेल कर दूं, ये 50 या 20 दिरहम्स के सेल होने हैं। लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो मैंने सोचा कि इनको भी हम यहाँ रख लेते हैं, तो ये बड़े अच्छे से यहाँ पे सेट हो गए हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा था कि दोनों शू रैक साथ साथ रखेंगे, आयरन स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के ऊपर कपड़ा बिछा के हम कपड़े प्रेस कर लेंगे, लेकिन वो मैंने आमने सामने रख दिया ना शू रैक्स, तो मैंने देखा यहाँ जगह बन गई है और ये बास्केट्स भी लॉन्ड्री वाली आपको पता है कहीं ना कहीं तो रखनी होती हैं, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट है बस यहाँ पे रख लूँ। तो मेरी ये जो लॉबी है ना ये मेरे पर्पज के लिए यूज़ हो रही है, ये सिर्फ चल के एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए नहीं है, सो मैं बहुत खुश हूँ। बाकी ये सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको जरा बेहतर लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ मैंने इस जगह को अच्छे से यूटिलाइज किया। इधर वाला सेक्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। स्टोरेज ही अभी मैं दिखा रही हूँ, ये देखें बच्चों के लिए स्टोरेज ये है, ये सारा स्टोरेज का स्टफ है। ये थे हामी की कार्ड्स हैं, लेगो वगैरह जिनसे वो बहुत रेयरली खेलता है लेकिन उसको बड़ा लगाव है तो उसको ये चाहिए। और इसके अलावा ये मिशी के लेगो, ये बाकी सारी चीज़ें, कार्ड्स वगैरह सब चीज़ें बच्चे कभी कभी यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनकी वो आ गई हैं, क्या कहते हैं, बेड शीट्स वगैरह, ये कुरान पाक है, तो हामी जो पढ़ता है वो सारा यहाँ रखा हुआ है। और साथ में ऊपर बच्चों का आर्ट वर्क, बच्चों का जो क्या कहते हैं स्कूल वर्क, और उसके अलावा स्टेशनरी, ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। तो ये था स्टोरेज सिस्टम बच्चों का। वही बात आ जाती है अगेन कि अगर हम यहाँ पे कुछ ना रखते तो बड़ी हद है वहाँ से रैक हिल के यहाँ आ जाना था, उससे ज़्यादा क्या होना था। तो इतनी सी स्पेस ले लेने से कोई हमारा रूम तंग नहीं हो गया, हम बहुत खुश हैं, अच्छे से सेट हुआ है, रूम खुला भी है। तो ये है जी हमारा अरेंजमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।